तो पांच राज्यों में चुनाव का महा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। पंजाब के आंकड़े हमने आपको दिखाए। मैं सीधा रुक करूंगी रोमाना का, जो हमें उत्तराखंड का महा ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाएंगी। रोमाना, तो एबीपी न्यूज पर कल आपने सी वोटर का ओपिनियन पोल देखा था और आज बारी महा ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने की। तो जाहिर सी बात है ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बर्फबारी हुई भी है, तो आइए जरा केबल कार का मजा लेते हैं। ओली की ये केबल कार जिसमें एक बार फिर से मैं सवार हो गई है और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ आंकड़ों की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सी वोटर का आंकड़ा नहीं आएगा जो आप कल देख चुके हैं। सी वोटर का आंकड़ा आपने जब कल देखा था तो उसमें मामला बराबरी का था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी 31 से 37, कांग्रेस 30 से 36। लेकिन आज जिस तरीके से ये तमाम अलग अलग सर्वे एजेंसी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आया पोल ऑफ द पोल का आंकड़ा आपके सामने, महा ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि उत्तराखंड में बन सकती है बीजेपी की सरकार, क्योंकि कुल सीटें 70 हैं और महा ओपिनियन पोल के आंकड़े में 37 से 41 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। मतलब साफ तौर पर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें बीजेपी के झोली में जा रही हैं। महा ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कांग्रेस 25 से 29 पर सिमट रही है। तो ये महा ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा उत्तराखंड के बारे में। शोभना, बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड का आंकड़ा हमें दिखाया आलोक भट्ट, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका मैं रुख करूंगी। आलोक भट्ट, एक बार फिर बीजेपी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हरीश रावत मोस्ट पॉपुलर चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री की पसंद बने हुए हैं, तो क्या एक बार फिर कांग्रेस की आपसी जो कलह है वो जिम्मेदार होगी अगर बीजेपी की वापसी होती है इन आंकड़ों के मुताबिक? देखिए, बीजेपी तो एक वहां पे एक बीजेपी का एक स्ट्रांग और क्रेडिबल चेहरा है वहां पे उत्तराखंड में, लेकिन जहां दूसरी तरफ कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है नहीं, और हरीश रावत जी बार बार अपना मुख्यमंत्री का दावा ठोकते तो रहते हैं लेकिन उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। वैसे भी जिस तरह से उनको 2017 में, जिस तरह से शायद हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में कोई सिटिंग सीएम पहली बार दो सीट से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से हार गया, ये पहली बार हुआ, तो ये कहीं ना कहीं उनके उसमें उनके विरुद्ध जाता है और उनकी वैसे भी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस में ज़्यादा है नहीं। जहाँ दूसरी तरफ बीजेपी का सवाल है, ये बात आपकी सही है कि अलग अलग तरह से अगर आंकड़ों पर आप देखें तो पुष्कर धामी जी और हरीश रावत जी के बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन अगर आप उसमें बाकी बीजेपी के नेताओं को ऐड करें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी आती है। जैसे ठीक है, अलका लांबा से रिएक्शन ले लेती हूं। ठीक है अलका लांबा, हरीश रावत पसंद जरूर है लेकिन कांग्रेस डिक्लेयर करने को तैयार ही नहीं है, वो खुद ही खुद कहे जा रहे हैं कि हाँ मैं चेहरा हूँ। ऐसा नहीं है, पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हकीकत जो कुछ भी हो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय चेहरा है, आपके सर्वे में बता रहे कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे अधिक आगे उन्हें तो स्वाभाविक है, वो इतने पॉपुलर है कि वो कितनी बार इलेक्शन, कितनी बार चुनाव सबसे ज्यादा हारने का चुनाव जीते, चुनाव में जीते नहीं उससे ज्यादा हारे हैं वो। बीजेपी प्रवक्ता की तरह मत बात करिए, आपकी लाइन मैंने सुन ली, आप क्या मैं सम्मान करती हूँ, आप जो भी ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो हमारी पार्टी के बीच ये मत बोलिए पॉपुलर नेता है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए अलका लांबा जी को, बोलने दीजिए। हाँ अलका जी, पूरा कीजिए अपनी बात। धन्यवाद। तो बहुत लोकप्रिय नेता है, मुखरता से उत्तराखंड के मुद्दों को उठाते रहे, विपक्ष की भूमिका मजबूत निभाई, यही मजबूर भाजपा को होना पड़ा कि अपने तीन तीन मुख्यमंत्रियों को बदलने पर, अपना एंटी इनकंबेंसी खत्म करने पर मजबूर भाजपा को होना पड़ा। ठीक है अलका लांबा जी, कर्नल कोठिया, मैं शोभना आपके साथ हूँ, आलोक जी आऊंगी मैं आपके पास, वीना जी आम आदमी पार्टी को कितना मजबूत आप देख रही हैं उत्तराखंड में? आंकड़ों में तो कुछ चमत्कार दिख नहीं रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। शोभना जी, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है, आप देखिएगा धीरे धीरे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के लोग भाजपा और कांग्रेस से परेशान है, वहां पे ये मॉडल चला आ रहा है, 5 साल भाजपा खाती है फिर 5 साल कांग्रेस खाती है, इस बार उन्होंने उनके सामने थर्ड ऑप्शन है और वो और दिल्ली के पूरे गवर्नेंस मॉडल से प्रभावित है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका देंगे अरविंद केजरीवाल। अलका जी कांग्रेस, चलिए ठीक है, तो चलिए तमाम अपने दावे पेश कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, और उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल क्या कहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे चुके हैं। ABP News आपको रखे आगे।